जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैयन लिल्ला। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहां ईमान टटोलने की जरूरत है और यहां अमले सवाले की जरूरत है। रोटी का लुकमा भी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्लाह इब्ने उमर अपनी बीवी का ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज पर कान लगाओ, शैया अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए, मेरी बीवी मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्लाह इब्ने उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते पराठे के साथ और मछली के साथ और अपनी बीवी के हवाले करते, मेरी बीवी जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो, और ये आवाज सुन लेने के बाद ये मछली ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, कयामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो। हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती, इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता, अभी आने को था क्या, थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ? एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, 3रे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसी खिलाने चली वैसे ही साफ, अल्लाह के नाम पे। मांगने वाला आ गया, तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीवी थी अपने शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है कि आए मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगा है, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साहिल के हवाले कर देती हूँ। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं। हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा, इसमें क्या बुराई थी? कहने लगे, मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यहीं रहने दो, मछली हम खाएंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में जो कीमत लगी है वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूं ईमान और अमले सवाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती है और लेकर देने जा रही है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, इधर आओ देखूं तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने तो अंदाजा लगा लिया कि मछली इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो, अच्छा है ठीक है जाओ दे आओ। जैसे ही वो कीमत देने के लिए पहुंचती है दरवाजे पर, अभी दरवाजा खोला भी नहीं है, अभी साहिल के हाथ में कीमत दी भी नहीं, इतने में अब्दुल्लाह इब्ने उमर फिर आवाज लगाते हैं, मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। हैं अब क्या है, इधर आओ, आ गए, कीमत लाओ, क्या करेंगे आप,
देखें अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मांग रहा हूँ दो ना, दे दी। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर, और पूरा का पूरा उठा कर कहा मेरी बीवी जाओ उस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती कहती सटिया गया ये आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी क्या हुआ आपको, कब पहले दे के आओ फिर बताता हूँ। अरे दे के आऊँगी तब क्या बताएंगे, अभी बताइए ना, कि ना पहले दे के आओ, दोनों चीज़ें दे के आओ। शौहर का हुक्म था, बीवी जाती है कीमत भी दे देती है, पराठा भी दे देती है, मछली भी दे देती है और वो दुआएं देता हुआ चला जाता है। ये बैठती है और कहती है बताओ मियाँ अब तो बता दो क्या हुआ, पहले तो कह रहे थे कीमत दे दो मछली हम और हमारे बच्चे खा लेंगे, फिर मैं कीमत देने गई तो आपने वो भी बुला लिया और फिर कीमत भी दे दी मछली भी दे दी, वाह ऐसा क्यों। कहा मेरी बीवी जब तुम कीमत देने जाने लगी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए अब्दुल्ला तुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत। मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था, मुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत। बहुत गौर किया कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। क्योंकि कुरान की आयत, ईमान देखिए, क्योंकि कुरान की आयत हमारे जहन में आ गई, जब तुम कीमत देने जाने लगी तो कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई, मेरे माइंड में आ गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते हो, तुम्हें उस वक्त तक सवाब नहीं मिल सकता है जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। जब तक अपनी सबसे चाहती चीज को कुर्बान नहीं करोगे, अल्लाह की राह में नहीं दोगे, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी। मैं सोचने लगा अल्लाह में मछली दूं तब सवाब मिलेगा या कीमत दूं तब सवाब मिलेगा, अल्लाह मुझे कीमत ज्यादा पसंद है या मछली ज्यादा पसंद है, अल्लाह मुझे क्या पसंद है। लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि मुझे कीमत पसंद है या मछली, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। आए अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मुझे मछली ज्यादा पसंद है या उसकी कीमत, आए अल्लाह तेरी नजर में जो बेहतर हो उसका सवाब तू मुझे दे दे, अल्लाह मेरे नाम या माल में सवाब लिख दे, अल्लाह मुझे नेकी से नवाज दे। अल्लाह मैंने साहिल को मछली भी दे दी उसकी कीमत भी दे दी। मेरे प्यारे साथियों ये था ईमान और ये था अमले सवाले जो दिल की गहराइयों से होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहात, जिनके अंदर ईमान है और जिन्होंने ईमान के साथ साथ अमले सवाले किए ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग जन्नत में जाने वाले लोगों में से हैं। एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है बिलाल चौक की बता रही है, जिसके सिवाय का भी हो यहाँ से आकर के लेके जाए। एक बच्ची बैठी हुई स्टेज पर बिलाल चौक की बता रही है, आए उसको ले जाए यहाँ से। चलिए ठीक है, वो जिसकी होगी ले जाएगा और किसी के ना हो तो हमको दे दीजिएगा, हम ले जाएंगे। तो ईमान और अमले सवाले देख रहे हैं, ये था ईमान और ये था अमले सवाले। आइए दो चीज़ें और दिखा दें, वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सबर। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी, ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर दो टूक सही सही है, डंके की चोट पे बोलो, गलत को गलत कहो डंके की चोट पे कहो, है गलत तो गलत,
ऐसा भी कर लो वैसा भी, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी, नहीं। वतवासौ बिलहक, हमेशा हक बात कहो। और सबसे बड़ा जिहाद तो अल्लाह के नबी ने यही बताया है, अफजलुल जिहादी कलिमतुल हक, हक बात बोलना सबसे बड़ा जिहाद है। और सबसे बड़ा जिहाद बादशाह के सामने हक बात कहना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं, तवाफ कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने नहीं सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला के बेटे, यानी उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे सालिम, तो सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, उमर फारूक के पोते, और उनके जिस्म पर जो अहराम है उसमें जोड़ ही जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद ही पैबंद लगे हुए हैं, और उस ज़माने का खलीफा, उस ज़माने का मक्के का गवर्नर, मक्के का जिम्मेदार हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक जब देखता है तो पूछता है लोगों से, ये कौन आदमी है जिसके पैबंद लगे हुए हैं। लोगों ने बताया ये हजरत उमर फारूक के पोते हैं, हजरत सालिम, इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन का पोता और इतना गरीब। तवाफ के दौरान हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अब्दुल्ला इब्ने सालिम इब्ने अब्दुल्ला से कहा, सालिम क्या तुम उमर फारूक के पोते हो? उन्होंने कहा जी। मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा मैं हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक हूँ, इस इलाके का जिम्मेदार, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, तुम्हारी हालत मुझे देख के तरस आ गया है, इतनी बड़ी जमीन का मालिक हजरत उमर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और उसका पोता अब्दुल्लाह, उसका पोता सालिम, यह हाल है कि उसको एक अहराम में भी 20-20, 22-22 जोड़ लगे हुए हैं, पहनने के लिए अहराम भी नहीं। तुम जल्दी से तवाफ करो, जल्दी से नमाज पढ़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ बैतुल माल से। हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिन अल्लाही अन असला फी बैतिही गैरा। हिशाम, मैं इस वक्त खाने काबा में हूँ, अल्लाह के घर में हूँ, और अल्लाह के घर में होते हुए मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने अपना दामन फैलाऊं, मैं किसी से भीख मांगूं, मुझे शर्म आती है अल्लाह से। अय अय क्या जवाब दिया, मुझे शर्म आती है अल्लाह के घर में हूं, अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगूँ, नहीं। हिशाम की बड़ी, अब नीतीश हमसे अगर कह दें कि जर्जी साहब बोलो मांगो क्या मांगते हो, मैं पूरे बिहार का मालिक हूँ, बोलो क्या चाहते हो, तो हम तो ऐसी ऐसी चीज़ें मांग लेंगे कि भाई उसके पास से क्या जा रहा है दे देगा। गौर करो सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने क्या कहा, अल्लाह के घर में अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगो, तो कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई। खाने काबा का तवाफ पूरा हो गया, हजरत सालिम ने 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ी मकाम इब्राहिम पर, फिर दोनों हाथों को उठाया, रफा यदैही लिस्समा, दोनों हाथों को उठाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ भी मांगी। हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांग कर जब ये बाहर निकलते हैं तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक चौराहे पर एक रास्ते में इनको पकड़ लेता है और कहता है, अल आन खरजता मिन बैतिल्लाह फसअल, आए सालिम ये तो अल्लाह का घर नहीं है, अल्लाह के घर में शर्म आ रही थी किसी गैर के सामने दामन फैलाने में, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है, और मैंने तुम्हें सड़क पर पकड़ा है, चलो मेरे साथ, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, आओ मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँ, तुम उमर फारूक के पोते हो। हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला यहाँ पर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या मेरी ज़रूरत पूरी करोगे,
अम मिन हवा इज़ दुनिया अम मिन हवा इज़ आखिरा, मेरी आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे या दुनिया भी। हिशाम कहता आखिरत में तो कोई किसी के काम नहीं आएगा, मैं किसी को जन्नत जहन्नम तो नहीं दे सकता हूँ, आखिरत की ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकता हूँ, मैं मक्के का गवर्नर हूँ, मैं मक्के का मालिक हूँ, मैं मक्के का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया भी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, चांदी दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, गल्ला दे सकता हूँ, अनाज दे सकता हूँ, तुम्हें दुनिया भी ज़रूरत मैं तुम्हारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ओ तो तुम मुझे दुनिया दोगे? हाँ अच्छा। अरे हिशाम तुम्हें मालूम नहीं है कि खाने काबा के बाद तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता मुझे मालूम है, तुमने दो रकात नमाज पढ़ी। अरे हिशाम तुम्हें मालूम नहीं है कि दो रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता है मुझे मालूम है, नमाज पढ़ने के बाद तुमने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी है। आए हिशाम इतना तुम्हें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मैंने हाथ उठाकर अपने रब से क्या मांगा है। और सुनो सुनो बड़ी इबरतनाक वाकया है बड़ा। हिशाम कहता हाँ मुझे ये नहीं मालूम कि तुमने अपने रब से क्या मांगा, ये मालूम है कि तवाफ किया है, ये मालूम है तवाफ के बाद दो रकात नमाज पढ़ी है, ये मालूम है कि नमाज के बाद दुआ मांगी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि दुआ में क्या मांगा। हाय हिशाम मैं ये बताना भी नहीं चाहता कि मैंने अपने रब से क्या मांगा, ये मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, लेकिन इतना बता देता हूं तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे सोना मांगो, चांदी मांगो, कपड़ा मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, दुनिया मांगो, तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे ये मांगो, मेरी हालत देखकर, मेरे कपड़े देखकर, मेरा हराम देखकर बार बार कहते हो मैं दुनिया भी ज़रूरत पूरी कर दूं। अरे हिशाम मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुझे नहीं बताऊँगा, लेकिन तू बार बार दुनिया मांगने का सवाल कर रहा है, तो मैं इतना बता दूं कि जब मैंने अपने रब के सामने हाथ फैलाए और दोनों हाथ फैलाकर जब अपने रब से दुआ मांग रहा था तो माँ साल तो दुनिया मयम लिखुहा फकैफा सलुहा मल्ला यम लिखुहा, तो जब मैं अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, माँ साल तो दुनिया मयम लिखुहा सोना तो मैंने उससे भी नहीं मांगा, चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, दौलत तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, गल्ला और अनाज तो मैंने उससे भी नहीं मांगा, जो दुनिया का मालिक है ये दुनिया तू बार बार मुझसे कह रहा मांगो, अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उससे दुनिया कैसे मांगू जो आज मरा और कल ये दुनिया दूसरे के हाथ में चली जाएगी, तू इसका मालिक नहीं है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, जब दुनिया का कुछ हिस्सा है ही नहीं तेरा तो मैं तुझसे क्या मांगू, चल नहीं मांगता, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। गौर कीजिए ऐसे लोग गुजरे इस दुनिया में, हक बात बड़े बड़े लोगों के सामने कह दिया करते हैं। अल्लाह के नबी ने भी तो यही कहा था, ये काफिर सूरज उखाड़ के लाए मेरे दाहिने हाथ पे ला के रख दें, चांद तोड़ कर लाए और बाएं हाथ पे ला के रख दें, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर भी डाले दाएं और बाएं हाथ में लाकर रख दें ये तो मुमकिन है, लेकिन मैं हक बद कहने से रुक जाऊं और दावत हक से चूक जाऊं या छोड़ बैठूं ये मुमकिन नहीं है। आए मेरे चचा, चचा ने बुलाया था ना अबू तालिब ने, बेटे ये तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, छोड़ दो इनको, इनके हाल पर तो दावत तबलीग मत करो, तो क्या कहा था ये चचा जान, आप प्रेशर बना रहे मेरे ऊपर, मेरे बेटे मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं, तुम्हें कोई छेड़ेगा मारेगा तो सबसे पहले तुम्हारा ये चचा अबू तालिब गिरेगा, गिरेगा उसको तकलीफ होगी, मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं, तो क्या कहा चचा जान, अगर आज आप अपना हाथ मेरे सर से उठा रहे तो उठा लीजिए,
मेरे हाथ, मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है, उसकी मदद है मेरे ऊपर, मेरे साथ। अरे चचा, अगर ये काफिरी ने मक्का सूरज लाए 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर, लेकिन ये ले आए चांद 2,40,000 मील की ऊंचाई पर, ये ले आए दाएं और बाएं हाथ पर लाकर रख दें, ये तो करना इनके लिए मुमकिन है, लेकिन मैं बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है। यानी अल्फाज दीगर, सुई के सुराख से ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऊंट दाखिल हो जाए ये तो मुमकिन है, ये तो हो सकता है, लेकिन मैं अल्लाह की दावत छोड़ दूं और दीन हक से बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता।